So friends, now we are moving towards illustration number 18, as you have completed 17. Calculate the cost of living index number. Repeating, calculate the cost of living index number by the total expenditure method. Underline karo word total expenditure method and the family budget method. ठीक है, दो method आपको दिया, total expenditure method और family budget method. For the 2015 with the year 2014 using the following data. Items, wheat, rice, tuwer dal, oil, cloth, kerosene. यूनिट आपको दिए क्विंटल, केजी, केजी, लीटर, मीटर और लीटर. क्वांटिटी फॉर द ईयर 2014 35 केजी, 25 केजी, 20 केजी, 10 लीटर, 20 मीटर एंड 15 लीटर. प्राइस ऑफ द ईयर 2014 एंड 2015 2014 और 2015 के प्राइस दे दिए, क्वांटिटी दे दिए. 2014 का क्वांटिटी देने का मतलब बेटा ये होता है कि ये आपके लिए क्या है, तो ये आपके लिए Q0. प्राइस फॉर द ईयर 2014 क्या है, तो वो P0. और प्राइस ऑफ द ईयर 2015 क्या है, तो वो P1. राइट, अब देखो वीट क्विंटल में दिया और ये केजी में है, तो वन क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मच केजी, यस 100 केजी. बराबर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, उसी तरीके से बाकी का डेटा भी आपको चेक करना पड़ेगा. देखो राइस केजी में केजी है, तुअर दाल केजी केजी, ऑयल लीटर लीटर, मीटर मीटर, लीटर लीटर. तो एक क्विंटल वाला जो पार्ट है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो हम प्राइसेस जो भी उसको केजी में लेके आएंगे. अब देखोगे नीचे तो आपको दिखेगा वीट जो क्विंटल में था उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ साथ में क्या किया है, तब देख सकते हो कि जो प्राइसेस थे वो प्राइसेस को भी डिवाइड कर दिया. मतलब ये 1600 है तो 1600 नहीं दिखेगा, 1600 डिवाइडेड बाय 100, इसलिए 16 हो गया. ठीक है, सेम मैनर में ये 1800 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया. तो इन द मैनर ये आपके पास पूरा डेटा डेवलप हो गया. Q0 आ गया, P0 आ गया, P1 आ गया. अब ऑब्वियस है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यही निकाल सकते हैं P1 Q0 और P0 Q0. ठीक है, P1 Q1 निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q1 दिया ही नहीं है. राइट, तो हमारे लिए सिंपल सा सम हो जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. मैंने आपको कहा था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 1000 भी यूज़ कर सकते हो, 1101 भी यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, 1000, क्योंकि 1000 ही अवेलेबल है. ठीक है, फिर तो सम आसानी हो जाएगा. तो इस सम के अंदर सबसे मेन पॉइंट जो था वो खाली यही था कि 1600 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 16 आएगा, 1800 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 18 आएगा. दैट इज़ द मेन क्रंच पॉइंट, और उसके बाद बहुत ही आसानी से आपका सम खत्म हो जाएगा. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द सम. अब सर इसी सम को हमको फैमिली बजट मेथड से करना हो तो W ढूंढना पड़ेगा. सर W कहाँ से मिलेगा, I का मतलब क्या होता है, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100. बराबर, तो P1 है, हाँ सर P1 है, P0 है, हाँ सर P0 भी है. तो जब P1 है, P0 है, तो I भी मिल जाएगा. तो आप देख सकते हो क्लियर कट मैनर में कि यहाँ पर आपको I ढूंढ के दिया हुआ है, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100. W कहाँ से आएगा, W वेट दिया है तो ठीक है, वरना P0 Q0 को ही W बोलते हैं. बेटा अल्टीमेटली बात तो वही घूम फिर के आ गई कि आपका वही आंसर आएगा, नया कुछ होने वाला नहीं है. आप देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, तो पहले I ढूंढ लिया, ठीक है, फिर क्या ढूंढा, W ढूंढ लिया, फिर क्या ढूंढा, IW ढूंढ लिया, और यहाँ W का टोटल लगा दिया, और फिर फॉर्मूला में क्या लगा दिया, σIW डिवाइड बाई σW. जब आप करोगे तो आपका भी आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा. और देखोगे तो ये आंसर और ऊपर की मेथड से आया हुआ आंसर दोनों क्या, दोनों आंसर भी कैसे है, सेम है. मतलब उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. तो दोनों तरीके से हमने इस सम को देखा, फैमिली बजट मेथड से भी देखा और कॉस्ट ऑफ लिविंग में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी देखा. दोनों का आंसर भी कैसा आया, सेम ही आया है. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि मेथड में ऐसा कुछ खास है नहीं. सो नाउ वी आर एंडिंग दिस वीडियो, इलस्ट्रेशन नंबर 18. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 19. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, please do subscribe the channel, please touch the bell icon, and please share the video to others so that they can also study freely at home. Thank you very much for watching.